उधर सरायकेला पुलिस ने मोबाइल छीनतई गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उन लोगों के पास से कई कंपनियों के मोबाइल बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ राकेश रंजन ने बताया कि क्षेत्र में छीनतई की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, इसको पुलिस ने गंभीरता से लिया। टीम की एक टीम का गठन कर कार्रवाई करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दो लोगों ने जो मोबाइल छीनने का प्रयास किया था आदिपुर थाना क्षेत्र में, जिनको भी स्थानीय लोगों ने जो सो पकड़ लिया था। तो उसके बाद फिर इनसे पूछताछ के क्रम में जो फिर हम लोगों ने एक चेन एस्टेब्लिश किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में एक स्पेशल टीम का गठन हुआ था और उसके बाद जो है सो हम लोगों ने जो सो 4 अभियुक्तों को पकड़ा। कुल मिला के 5 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि ये लोग जो है चोरी के मोबाइल का इनका काम ही था, मोबाइल की चोरी करना, छिनतई करना और उसको खरीदना बेचना। छिनतई गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उन लोगों के पास से कई कंपनियों के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ राकेश रंजन ने बताया है कि क्षेत्र में छिनतई की लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर पुलिस गंभीर रही। टीम का गठन कर कार्रवाई करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कई अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। एसडीपीओ ने बताया है कि ये तमाम आरोपी मोबाइल की छिनतई और साथ साथ मोबाइल की चोरी भी किया करते थे। को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने कई अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह लगातार मोबाइल छिनतई और मोबाइल चोरी का की घटनाओं को अंजाम देते थे। घटनाएं बढ़ रही थी, पुलिस ने टीम का गठन किया और आरोपियों को धर दबोचा।